अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अलमरी हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम। दिस इज़ योर इंग्लिश लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट नंबर 5 ऑफ योर वी लर्न इंग्लिश बुक रेलवेज। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर रेलवेज। ज़ाहिर इज़ एट द रेलवे स्टेशन विद हिज फादर। ज़ाहिर जो था अपने फादर के साथ रेलवे स्टेशन पे है। दे हैव कम टू से गुड बाय टू देयर गेस्ट हु आर गोइंग बैक टू लाहौर। वो अपने गेस्ट को यहाँ ड्रॉप करने आए थे, गुड बाय कहने आए थे, जो कि लाहौर वापस जा रहे हैं। द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी क्राउडेड विद पैसेंजर्स एंड देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो प्लेटफॉर्म जो था वो पूरा भरा हुआ था। द प्लेटफॉर्म इज फिल्ड विद द पैसेंजर्स, मुसाफिर उनके दोस्त और रिश्तेदारों से। द लगेज इज़ कैरिड बाई पोर्टर्स इन रेड यूनिफॉर्म। और जो लगेज था, जो सामान था, वो पोर्टर्स उठाते हैं जो कि रेड यूनिफॉर्म में होते हैं। दे समटाइम कैरी हैवी ट्रंक्स ऑन देयर हेड्स। और बस दफ़ा वो हैवी हैवी सूट केस जो होते हैं अपने सर पर उठाते हैं। देर आर स्मॉल शॉप्स सेलिंग मैगजीन्स, फूड एंड अदर स्पाइसी स्नैक्स। यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पर मैगजीन सेल होते हैं, खाना वगैरह और स्नैक्स, स्पाइसी स्नैक्स जो हैं वो सेल किए जाते हैं। द रेलवे गार्ड इज़ होल्डिंग रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स। और रेलवे गार्ड होल्ड करता है, उसके हाथ में पकड़ा हुआ होता है उसने रेड और ग्रीन कलर का एक झंडा। ही वेव्स द ग्रीन फ्लैग, वो ग्रीन फ्लैग हिलाता है। एंड द ट्रेन स्लोली चक्स इट्स वे आउट ऑफ द स्टेशन। तो फिर क्या करती है, जो ट्रेन होती है चक होती है, मेकिंग साउंड व्हेन द ट्रेन स्टार्ट। जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो एक साउंड आती है, उसे कहते हैं चक्स। तो जब ट्रेन स्टेशन छोड़ती है, उसने निकलना होता है स्टेशन से, तो गार्ड जो है वो ग्रीन कलर का फ्लैग, ग्रीन कलर का झंडा लहराता है। व्हेन वर द रेलवेज बिल्ट फादर, आज ज़ाहिर ने पूछा, अबू जान ये रेलवे कब तामीर हुए थे। मोस्ट पीपल ऑफ द रेलवेज आर बीइंग अ न्यू इन्वेंशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये नई ईजाद है। बट दे स्टार्टेड नियरली 200 ईयर्स अगो, लेकिन ये 2 साल पहले शुरू हो गए थे। द फर्स्ट पब्लिक रेलवे यूजिंग स्टीम इंजन वॉज बिल्ट इन 1825। और पहली जो पब्लिक रेलवे थी वो स्टीम इंजन, जो भाप वाला इंजन होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता था। और वो कब बना था, 1825 में। थाउजेंड ऑफ पीपल केम टू सी इट, हज़ारों लोग इसको देखने आए थे। बट वन, लेकिन जब इट लेट ऑफ सम स्टीम, वो जब भाप छोड़ता था स्टीम इंजन, दे रैन अवे बिकॉज दे वर अफ्रेड। तो इतनी उसकी आवाज़ होती थी कि लोग डर के भाग जाया करते थे। दे हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसी चीज़ नहीं देखी थी और ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। द रेलवेज वर पॉपुलर, रेलवे बहुत मशहूर थे, बिकॉज क्योंकि दे वर ऑन ईजी वे टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ले जाना, सामान ले जाना उनके लिए आसान था। स्लोली पैसेंजर्स ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग रेलवेज इन द लार्ज नंबर। और क्योंकि वो पैसेंजर्स जो कि बहुत ज़्यादा मुसाफिर स्लो होते थे, आर स्टार्टेड यूजिंग रेलवे, मतलब पहले जो था वो मुसाफिर की तादाद कम थी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा रेलवे का यूज़ है। ऑन योर नेक्स्ट पेज हिज फादर कंटिन्यूड, नाउअडेज देयर आर मैनी न्यू टाइप्स ऑफ रेलवेज अराउंड द वर्ल्ड। कि आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में रेलवेज मौजूद हैं। द अंडरग्राउंड रेलवे इज़ वेरी पॉपुलर इन अमेरिका एंड यूरोप। अमेरिका और यूरोप में अंडरग्राउंड मतलब ज़ेर ज़मीन रेलवे सिस्टम है। एंड पीपल यूज़ इट, और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं टू ट्रेवल इन द सिटी, शहर के अंदर सफ़र करने के लिए। इन 2002 टिल्ट ट्रेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ये ट्रेन का नाम है। 2002 में टिल्ट ट्रेन जो थी वो मुतारिफ करवाई गई थी। वेयर द ट्रेन कैन लीन व्हेन इट गोस अराउंड द बेंड, मेकिंग इट गो मच फास्टर।
वेयर द ट्रेन कैन लीन व्हेन इट इज गुड मस्ट फॉल्ट। तो क्या होता था, लीन मीन होता है झुकना, झुकना। वेयर द ट्रेन कैन लीन व्हेन इट गोज अराउंड द बेंड, मतलब जब उसने कोई शार्प मोड़ लेना होता था, जब मुड़ना होता था तो वो झुक जाया करती थी। अनदर टाइप ऑफ अ न्यू ट्रेन इज द मैगलेव दैट डज नॉट हैव एनी व्हील्स। और ये मैगलेव, मैगलेव जो है वो किससे वर्ड निकला है, मैग्नेट से। तो उसमें क्या होता था, जो मैगलेव ट्रेन थी वो विदाउट व्हील्स थी, इट फ्लोज अबव द ट्रेन बाई यूजिंग मैगनेट्स। और वो मैगनेट्स की मदद से जो है वो उससे अपनी ट्रैक से ऊपर रहती थी। हाई स्पीड ट्रेन यूज इन द जापान, जापान में बहुत ही तेज़ चलने वाली ट्रेन यूज़ हो रही है, कॉल्ड बुलेट ट्रेन, और उसको बुलेट ट्रेन कहा जाता है। और उसे बुलेट ट्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो गोली की रफ्तार से चलती है। कैन ट्रेवल अप टू 300 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। वाओ, सेड साहिर, साहिर ने कहा वाओ, आई डिड नॉट नो ट्रेन्स कुड गो दैट फास्ट, मैंने कभी ऐसी ट्रेन नहीं देखी जो कि इतनी फास्ट चलती हो। हियर इज द स्मॉल पॉइंट फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, के रेलवे कैरेज के बारे में ये एक ट्रेन है कि किस तरह से, मतलब यहाँ पे हेयर आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द डे टू डे लाइफ, जो डे टू डे लाइफ से हमारी कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि रेलवे कैरिज जो है वो कितनी फास्ट चलती है। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, विचेस होते हैं इवल स्पिरिट्स, स्पिरिट। ब्रिजेस एंड हाउसेस हैच एंड डिचेस, and charging along with troops in the battle, all through the meadows, the horses and the cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. And ever again in the wink of an eye, painted station whistle by. के faster than the ferry से भी ज़्यादा तेज़ है, ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं ना कि सब जो है वो सब चीज़ें पीछे छोड़ गई है और रेलवे कैरेज जो है वो कितनी फास्ट जा रही है। ब्रिजेस से भी फास्ट है, ब्रिजेस क्रॉस कर गई, हाउसेस क्रॉस कर गई, हैज जो है कि तमाम फेंसेस क्रॉस कर गई, डिचेस जो है वो ट्रंच को कहते हैं, गढ़े पे से गुजर गई है, फिर जो बैटल्स हैं, ट्रूप्स जो हैं इन द बैटल उससे भी वो फास्ट है। मीडोज, हॉर्सेस, कैटल, साइड, हिल, प्लेन, सब चीज़ें जो हैं वो रेलवे कैरिज के आगे जीरो हैं। एंड रेलवे कैरिज इज द फास्टर देन ऑल दोज थिंग्स। हेयर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स होती हैं झाड़ियाँ, छोटे ड्राई प्लांट्स जो होते हैं, कि वो इकट्ठा कर रहा था और ट्रेन वहाँ से भी गुजर रही तेज़ी से। Here is a tramp who stand and gazes, and here is the green for stringing the daisy. Here is a cart runaway in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river. कि यहाँ एक मिल है, फैक्ट्री है, दूसरी तरफ रिवर है। Each a glimpse and gone forever. सिर्फ एक झलक दिखाते हुए जो है वो गुजर जाती है। सो दिस इज द रीडिंग। नाउ द ग्रामेटिकल पार्ट कंजंक्शंस आर यूजिंग इन द एक्सरसाइज। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, दे जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस, यू कैन रीड इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। हेयर आर द वर्ड्स फॉर the use of conjunctions, since, yet, and, because, but, until, forever, and now move towards the exercise. Here are clearly mentioned, this is the copy work, and you have to suppose all this work into copy, and after that the book work. First copy work mein, here are the words meanings, here are the words meanings. And you can note it down on your journal. Now,
sentences of these words. I will make the sentence for you. Porter. Porters wear red uniforms. Invention. The invention of wheel was a milestone in the world. Popular. The underground railway is very popular in Europe and America. Trunk. The porter carried my trunk from the station. Track. Maglev train floats above the track by using magnets. So these are the sentences. And on page number 35, here are the small description about the train. You have to do it on your journal. After that, the exercise D, change the following sentences from present continuous to the past continuous. So the train is chugging out the station. The train was chugging. The passengers were sitting on their seats. Their friends were waving goodbye. The guard was waving a green flag. Zahir was going back home. Exercise E. Now change this sentence into the negative sentences. And in the negative sentences, we use word not. The train is not chugging out the station. The passengers are not sitting on their seats. Their friends are not waving goodbye. The guards is not waving a green flag. And Zahir is not going back home. F exercise. Now change these sentences into questions. So this is the exercise and you will do it on your journal. And when we make the interrogative sentence, we take out the helping verb in before the noun. We place the helping verb before the noun. Like, is the train chugging out the station? Are the passengers sitting on the seats? Are their friends waving goodbye? Is the guard waving a green flag? Is Zahir going back home? Now, G exercise. Then change the same sentences into the past tense. So, now we will use the second form of verb. The train chugged out of the station. The passengers sat on their seats. Their friends waved goodbye. The guard waved a green flag and Zahir went back home. Now, page number 37, H exercise में हमने conjunctions put करनी है and here this exercise is related to the conjunctions. Okay, now on page number 38, make a list of all the things the poet sees from the train. So train से क्या क्या चीजें भी देखी थी, bridges, houses, hedges, ditches, meadows, horses, cattle, hill, plain, painted station, child, brambles, tram, daisies, cart, load, mill, river. ये सब चीज़ें पॉइंट ने देखी ट्रेन में से, लेकिन ट्रेन इतनी फास्ट थी कि जस्ट ही सॉ एट अ ग्लांस के एक झलक ही देखी और सब चीज़ें गुजरती चली गई. एंड इसी की एक एक्सरसाइज है पेज नंबर 38 पर, राइमिंग वर्ड्स, विचेस, डिचेस, बैटल, कैटल, plain, rain, I, buy, scrambles, brambles, gazes, dizzies, road, load, river, forever. So that's about all. We have completed this chapter. अब आपने ये करना है कि बहुत carefully आपने जो copy work हमारे पास given है notes में, these are the notes, इसमें जो copy work given है, you only have to do this work on the copy और इसके अलावा कोई work नहीं है. बहुत neat and clean work करना है आपने. Wish you best of luck and stay home, stay safe. Allah Hafiz.